स्टॉक मार्केट न्यूज में दोस्तों आपका स्वागत है। आपके सामने लगा हुआ पीसी ज्वेलर्स का चार्ट और आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से ये गिरा है जब से इसके रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट आने की देर थी और देखिए रिजल्ट बड़े निराशाजनक रहे हैं और उसके बाद से ये 75-70 में पहुंच गया अपना। इसने देखिए इतना बड़ा इसने नीचे गिरा और अभी भी देख लीजिए, आप देख सकते होंगे अभी भी देखिए ये लोग बेच रहे हैं, तकरीबन 26,000 लगी हुई है क्वांटिटीज और बिकवाली पे है। देखिए आज तारीख थी 15 नवंबर, देखिए खुलते ही ये कैंडल बनी। इस कैंडल के बारे में आपको बता दूं, देखिए ये हमर पैटर्न होता है, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है बियरिश। अगर एक बियरिश ट्रेंड बन रहा है और अगर ये बनी है कैंडल, आप देख पा रहे होंगे, आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो कैंडल होती है, ये वाली जो कैंडल है, देखिए ये जो कैंडल बनी है, अगर आप इसको सही से देखेंगे तो ये हमर पैटर्न बोलते हैं इसको, और ये बनती है। और अगर ये लाल ना होके हरी होती, हालांकि इस चीज का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, अगर ये गिरते हुए ट्रेंड में अगर ये कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है कि मूवमेंट बेयरिश हो जाता है, और जो कि हुआ भी, लेकिन ज्यादा नहीं रहा क्योंकि ये कैंडल जो थी लाल थी। अगर आप इसकी रियल बॉडी देखेंगे तो ये रेड कलर की है, अगर ये ग्रीन होती तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाता, ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये रेड थी और मूवमेंट आपको पता ही है, पूरा मार्केट का ट्रेंड ही इसको लेके नेगेटिव ही है क्योंकि रिजल्ट खराब है, तो देखिए वही चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो देखते हैं हमारे इंडिकेटर्स क्या क्या बता रहे हैं, कुछ बता भी रहे हैं या नहीं बता रहे, चलिए एक एक करके देख लेते हैं सारे इंडिकेटर्स, फिर इसकी ऑप्शन चैन भी देखेंगे। देखिए बोलिंजर बैंड देख लेते हैं पहले, ठीक है, चलिए मैं बड़ा चार्ट कर लेता हूँ, आप अच्छे से देख पाएंगे। देखिए बोलिंजर बैंड लगा लिया है, ठीक है, अब ये देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें और ये आज की हम देख रहे हैं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो देखिए इसने नीचे छुआ, ये देखिए छू रहा है इसको, देखिए जब भी ये इसको छूता है इस वाली लाइन को, ये जो नीचे वाली लाइन है, तो ये ऊपर बाउंस करना चाहिए, ठीक है, ये जैसे यहाँ छू रहा था, ठीक है, ये थोड़ा सा हुआ और थोड़ा हल्का सा बाउंस हुआ, फिर ये अगर ऊपर छूता है इस तरीके से, देखिए जैसे ये है, तो यहाँ से जब ये छू रहा था तो नीचे आना चाहिए, जैसे कि दिखाई दे रहा आपको। तो देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ पे छू रहा है, फिर हल्का सा उछला, फिर नीचे गिरा, ठीक है, और ये फिर हल्का सा गया, फिर ऊपर चला गया, फिर छू के नीचे, तो देखिए ये बोलिंजर बैंड बहुत सही बताता है, और देखिए कहीं ना कहीं पैटर्न थोड़ा बहुत इसमें लग भी रहा है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से फिर भी ये नहीं है सही, देखिए यहाँ फॉलो नहीं कर रहा, देखिए बार बार ये इस लाइन को छू रहा ऊपर वाली लाइन को, लेकिन नीचे नहीं आ रहा, जब भी इस लाइन को छुएगा तो समझ में सेलिंग हो रही है, आपको यहाँ पे सेल आउट करना है इसको छूते ही। और देखिए अगर आप ये नीचे की तरफ हो, जब ये यहाँ छूता है इस वाली लाइन को, तो देखिए आपको ऐसा मतलब बाइंग करनी है और ये ऊपर चढ़ेगा, लेकिन देखिए सही से इंडिकेशन नहीं मिल पा रही, कहीं फॉलो कर रहा कहीं नहीं फॉलो कर रहा, देखिए यहाँ फॉलो नहीं कर रहा, बार बार टच कर रहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये इंडिकेशन तो इंडिकेटर हमारे तो किसी काम का है नहीं। चलिए कुछ और देखते हैं फिर, तो RSI देख लेते हैं, और RSI से देखते हैं कि ओवरसोल्ड और ओवर बाइंग तो नहीं चल रही यहाँ पे, तो देखते हैं RSI, ठीक है ये रहा, चलिए मैं इसे 70 कर लेता हूँ और 30 कर देता हूँ, आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे क्वांटिटी थोड़ी ठीक लगती है, ठीक है। और देखिए आप देख सकते होंगे कि अब भी ये 28 पे है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा सेल आउट हो चुका, ठीक है, तो भाई इसके बाद बाइंग आनी चाहिए, ठीक है, अगर वैल्यू 70 के तकरीबन होती यहाँ कहीं, तो इसका मतलब होता है कि ये बहुत ज्यादा बाई किया हुआ है और यहाँ से बिकवाली आ सकती थी, लेकिन अभी चूंकि इसकी वैल्यू 28 चल रही है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि अब इसके बाद बाइंग आनी चाहिए इसमें स्टॉक में, तो बहरहाल हम इतनी जल्दी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, फिलहाल हमें और कई चीजें देखनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम और कुछ देखते हैं, तो चलिए मैं इसे हटा देता हूँ और हम फिर उसके बाद कुछ और भी देखते हैं, तो हम मूविंग एवरेज की देख लेते हैं लाइन, ठीक है, मूविंग एवरेज से क्या पता चल रहा हमें, ठीक है, और देखिए 10 पीरियड की लाइन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैं ले लेता हूँ 20 पीरियड की लाइन, हालांकि चलिए मैं 4 ले लेता हूँ, वरना वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी,
चलिए ये लगा ली मैंने 20 और मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है ये चलिए मैं इसका कलर ले लेता हूँ येलो, ठीक है तो चलिए मैं इससे देख लेते हैं। तो देखिए ये जो कम वाली ने देखिए ये कम वाली ने इसको ऊपर से काटा 20 वाली को 10 वाली को, देखिए जो येलो है जो की देखिए ये 10 वाली जो लाइन है वो रेड है और येलो वाली जो है वो 20 की है, ठीक है 20 मूविंग एवरेज दिखा रहा है। तो इसने देखिए 10 वाली ने इसको काटा और उसके बाद देखिए ये यहाँ से सेल आउट हुआ, सेलिंग आई यहाँ से और अब देखिए ये आगे जाके कहीं काटता है कि नहीं, ठीक है और देखिए यहाँ से काटा तो देखिए कितना परफेक्ट आपको पता चल रहा है कि यहाँ से जाके इसकी बाइंग आई है, ठीक है तो आगे देख लेते हैं जो कि आज हमारी एक आवाज की हमारी जो डेट है जो कि 15 है तो हम सीधे उसी को चेक करेंगे। तो देखिए ये जो 10 वाली ने इसको कहीं काटा, ये देखते हैं पहले, चलिए मिलती हुई चल रही है और इसने ऊपर से काटा है इसको येलो वाली को, इसी वजह से ये देखिए मार्केट गिरा यहाँ पे और आज भी गिरा। आप देखते हैं ये आगे जाके कहीं काटेगी कि नहीं, अगर ये आगे काटती है कल के दिन को अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि मार्केट में फिर से बाइंग आ जाए, तो ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए और देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, देखते हैं और क्या है। चलिए हम पिवोट पॉइंट्स लगा के देख लेते हैं और फिर देखते हैं इसके रेजिस्टेंस कहाँ पे है और क्या हालात है इसके। बिल्कुल देखिए 15 तारीख है 15, ठीक है 15 तारीख के हिसाब से देख लेते हैं। तो देखिए ये इसका सपोर्ट है, ये पहला सपोर्ट था, ठीक है ये दूसरा सपोर्ट है, इसने इसको भी तोड़ दिया, अब ये नीचे जाके कहीं तीसरा सपोर्ट है इसका, ठीक है ये तीसरे सपोर्ट को भी देख लेते हैं, ये तीसरा सपोर्ट कहाँ पे, देखिए तीसरा सपोर्ट है 72, अब ये एक सपोर्ट बचा हुआ है बस इसके पास, ये वाला सपोर्ट 72। तो देखिए अगर ये कल इसको भी तोड़ देता है तो आप मान के चलिए फिर तो ये नीचे ही जाएगा, ठीक है लेकिन अभी ये यहाँ पे तीसरे वाले सपोर्ट से अभी ऊपर है, ठीक है और इसने फिलहाल ये वाला सपोर्ट तोड़ दिया अपना S2 भी और S1 तो ये तोड़ ही चुका था, मॉर्निंग में तोड़ दिया इसने, दोनों को ही तोड़ दिया था S1 और S2। ये देखिए पहली कैंडल ने ही बता दिया था, इंडिकेशन दे दिया था, फिर ये ऊपर मूव करके गया लेकिन कुछ कर नहीं पाया और देखते हैं और क्या चीज है। और देखिए रेजिस्टेंस है सारे, फिलहाल अभी तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, हमारा बहुत सपोर्ट से ही नीचे चल रहा है। तो चलिए ये तो हो गई इनकी बात, इंडिकेटर्स की बात जो कि आपको पता है कितना वॉलेटाइल है ये, और फिलहाल तो उसमें जो रिजल्ट की वजह से ऐसा देखने के लिए मिला हुआ है तो अभी परफेक्टली कुछ कह नहीं सकते। और चलिए हम ऑप्शन चैन को देख लेते हैं पीसी ज्वेलर्स की। देखिए ये पीसी ज्वेलर्स का मैंने लगा लिया, NSE की वेबसाइट पर मैंने खोला है, इसकी डिलीवरी चेक कर लेते हैं आज। देखिए परसेंटेज ऑफ डिलीवरी कितनी हुई है, 9% हुई है, ठीक है और ठीक है 9% हुई है, कोई खास नहीं है और बिग वाली पे लगे हुए हैं 26,000। तो देख लेते हैं ऑप्शन चैन। देखिए जैसा मैं आपको कई बार पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ भाई, कॉल को हम लेते हैं रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, शेयर का क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है और ठीक है और हम पुट को लेते हैं उसका सपोर्ट जानने के लिए, किसी भी स्टॉक का अगर हमें सपोर्ट जानना है तो वो हमें बताएगा पुट, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले, जो हम सबसे पहले देखते हैं OI, जो हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट होता है, फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है, ये वॉल्यूम होती है, ठीक है बिड क्वांटिटी होती है जो बायर्स दे रहे होते हैं, बिड प्राइस होती है, ये आर्क्स प्राइस होता है जो सेलर दे रहा होता है, आर्क्स क्वांटिटी होती है। सिमिलरली बिल्कुल भी यहाँ पे भी होता है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और बिल्कुल सिमिलर होता है। तो चलिए फिलहाल हमारा स्टॉक कहाँ पे, हमारा स्टॉक अभी 75 पे है तो हम सीधे यही बात करेंगे। अभी देख लेंगे आप येलो येलो में दिखाई देना आपको, ये पूरी क्वांटिटी आपको येलो येलो दिखाई दे रही है और यहाँ भी ऐसे नीचे येलो येलो दिखाई दे रही है, तो भी आपको पता ही है इन टाइम होता है और ठीक है, और जो व्हाइट व्हाइट में है ये तो ये होती है आउट टाइम, ठीक है आउट दी मनी, ठीक है आउट दी मनी और इन दी मनी, ठीक है ऐसी इन दी मनी होता है और नीचे वाला होता है आउट दी मनी, ठीक है कहने का मतलब होता है कि स्टॉक फिलहाल ये येलो वाली जो प्राइस से ऊपर है। ऐसे पुट में भी होता है कि पुट में भी इस वाले प्राइस से ये जो हमारा स्टॉक है भी ऊपर है, ठीक है मतलब इसको तो पार कर चुका है, येलो येलो को तो पार करके इससे ऊपर है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है ऐसी पुट की वैल्यू में भी यहाँ से तो ऊपर है, इसलिए आउट दी मनी का मतलब जाहिर सी बात है जो आउट है जो बाहर है, अभी स्टॉक उसको रीच कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं ऑप्शन चेन की एक एक चीज को देखना शुरू करते हैं बारीकी से। देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर कहीं पे बना है तो भाई देखो वो बना हुआ है यहाँ पे ये जगह पे, अब ये जगह कौन सी है,
भाई ये जगह है आपकी 100 पे 100 पे, ठीक है, और फिलहाल यहाँ क्या हो रहा है, प्रीमियम जो है घट रहा है, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट भी हमारा घट रहा है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है जब दोनों चीजें और दोनों चीजें हमारी घटती हुई, बोलते हैं अनवाइंडिंग। देखिए यहाँ हो रही है अनवाइंडिंग। अब ये अनवाइंडिंग किस लिए हो रही है, ये वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो देखो हमारी अनवाइंडिंग इस वजह से हो रही है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे जितना भी ओपन इंटरेस्ट चेंज आया है, जितने भी हमारी कॉल्स बायर होंगे, ठीक है, वो यहाँ से अब निकल रहे होंगे, इस वजह से हमारे जितने ऑर्डर्स हैं उनमें छटनी हुई है, ठीक है, इसलिए ये माइनस में चली गई है क्वांटिटी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये तो हमारा रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि अब तो भाई जाहिर सी चीज है ऊपर, हमें तो इसके आसपास ही अब कहीं देखना है 75 के आसपास। तो देखिए 75 के आसपास सबसे जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है भाई, वो है ये, ठीक है, आपकी 75 के पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सॉरी नीचे वाली है, ठीक है, और ये है तकरीबन हमारी 80 पे, ठीक है, 80 पर, ठीक है, 10 लाख के करीब है, जहां पर ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा चेंज हुआ है। यहाँ सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर कहीं चेंज हुआ है तो वो हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कितनी, 80 वाली स्ट्राइक प्राइस पे देखिए सबसे ज्यादा हमारा ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ 7 लाख, ठीक है, और हमारा जो प्रीमियम है ये भी माइनस में है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो है ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ फ्रेश पोजिशन बन रही है, ठीक है, हमारे यहाँ पे फ्रेश पोजिशन बन रही है, इट्स मीन यहाँ पे भैया कॉल राइटिंग हो रही है, ठीक है, कॉल राइटिंग हमारी सबसे ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये कि भाई ये भी हमारे लिए है रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई, हमारा रेजिस्टेंस तो ये रहा, ठीक है। और भाई हमारा अगर स्टॉक कल के दिन को चलता है तो भाई वो 80 तक जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं हमारा यहाँ पे कहाँ, यहाँ तो देखो बिल्कुल परफेक्ट पता चल रहा है, और वो है हमारा ये 70, ठीक है, 70, ठीक है, अगर आप 70 देखें, यहाँ पूरी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो ये है, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी सबसे बड़ी है, और उसके जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी मैक्सिमम है। तो भाई यहाँ तो हम सीधे कह सकते हैं कि भाई ये हमारा 70 जो है सपोर्ट है, ठीक है, हमारा स्टॉक 80 से 70 के बीच में कल दौड़ना चाहिए बस, ये अगर कहीं जा सकता है तो 70 पे और 80 पे, इसके बीच में कहीं झूलेगा, इससे अलग कहीं नहीं जा सकता। ये हमारा जो प्रीमियम है वो बढ़ रहा है, ठीक है, और ये हमारा ओपन इंटरेस्ट भी जो है वो बढ़ रहा है। दोनों चीजें जब बढ़ती है तो हम उसे बोलते हैं फ्रेश लॉन्ग क्रिएट करना, ठीक है। तो फ्रेश लॉन्ग क्रिएट करना दोनों में होता है, पुट में, फिलहाल हम पुट में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो निवेशक है इनको ऐसा लगता है कि वैल्यू जो है 70 के जो है नीचे ही रहनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारे इतने सारे ऑर्डर्स ऐड हुए हैं, लेकिन हम ये बता नहीं सकते क्योंकि ऑर्डर ऐड हुए हैं तो पुट राइटिंग भी इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। तो हम ये चीज सही से बता नहीं सकते क्योंकि ये पूरा डाटा होता है। तो भाई फिलहाल हमारा जो सपोर्ट है वो 70 पे, यानी कि हमें दो चीजें पता चल गई, 80 से और 70 के बीच में ही स्टॉक कल झूलेगा, ठीक है। 80 जो हमारा रेजिस्टेंस है और 70 हमारा सपोर्ट है, ठीक है। तो इंडिकेटर ने भी दिखाया कि 72 तो अभी हमारा सपोर्ट है, पिवोट पॉइंट से हमें इतना पता चल गया था। तो अभी तो ये दो चीजें हैं, बाकी अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनी हुई कि आप यहाँ पे पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग करके अच्छा पैसा बना लो, क्योंकि तकरीबन 8 लाख 10 लाख वैल्यू अगर कहीं ऐड हुई होती तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, तो हम कह सकते थे कि भाई आप वहां पे सीधे कॉल राइटिंग कर दो, कॉल में होते तो कॉल राइटिंग कर दो, पुट में होते तो पुट राइटिंग कर दो और अच्छा खासा पैसा बना लो, ठीक है। फिलहाल ऐसी कोई कंडीशन यहाँ बन नहीं रही है। तो भाई ये तो बात रही आपकी ऑप्शन चेन की, ठीक है, आपकी ऑप्शन चेन तो ये बता रही है, दो चीजें हमें पता चल गई अच्छे से और देखते हैं, ठीक है। तो भाई ये चीज है, इसी चीज को आप ध्यान रखिए, और कल अगर आप उसमें ट्रेडिंग करने वाले हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अगर आप फ्रेश पोजीशन लेंगे इसमें तो भाई सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि भाई ये स्टॉक तो फिलहाल अब नीचा ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी हो सकता है एक दो दिन ये कहीं इधर ही ऊपर ही फ्लक्चुएट करता रहे 80 से 70। तो ये आप चीज समझ के चलना, और ट्रेडिंग करते हो तो भाई ये 70 से 80 के बीच में ही रहना चाहिए, ये हमें अभी ऑप्शन चेन से मालूम चल रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को मैं यहीं करता हूँ खत्म, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके आगे बेल आइकन को दबा दीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू।